जीवात्मा में भय, निद्रा, मैथुन, आहार चार लक्षण पाए जाते हैं। 23वें श्लोक में सद्गुरुदेव भगवान ने समझाया है आत्मदर्शन कर्मकांड सूत्र नंबर 23 में, भय, निद्रा, मैथुन, आहारः च जीवासु लक्षणम शांति। जीवासु जीव में लक्षणः लक्षण व्याख्या में सद्गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं जीव में चार बातों को व्यापकता पाई जाती है। चाहे वह जीव जरायुज यानी जेर से निकलने वाला हो या पसीना से अंडा को फोड़कर प्रकट होने वाला हो या जमीन को फोड़कर वृक्ष पहाड़ आदि सभी भय, निद्रा, मैथुन आहार करते हैं। यह निद्रा मैथुन आहार हर जीव का नित्य कर्म है। यह जीवात्मा के लिए परम आवश्यक है। जीवात्मा के लिए परम आवश्यक है। जीवात्मा में यह लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पर यह शंका की गई है कि वृक्ष आदि को निद्रा एवं भय मैथुन आहार का लक्षण संगत होता है। वृक्ष भी अपनी टहनियों द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते तथा टहनियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं एवं आहार भी यह जड़ों तथा पत्तियों द्वारा करते हैं। इसी प्रकार वृक्ष आदि संकुचित हो जाते हैं। जैसा लाजमंती को स्पर्श करने से सिकुड़ जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वृक्षों को भय आदि भी व्यापकता है, लेकिन इस अवस्था को सूक्ष्म रूप से जाना जाता है। इस सूत्र में जीव के लक्षण भय, निद्रा, मैथुन आहार का प्रतिपादन करके उनके स्वभावक्त रूप में बताया गया है। आहार निद्रा भय मैथुनः च सामान्य मेतस्य सुभिर्नरायम धर्मो हि तेजाधितो विशेष्यो धर्मेण हीनः पशु भी समानः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सभी जीवों में व्याप्त है। पशु पक्षियों में समान स्वभाव वाला है। मनुष्यों तथा पशुओं में भेद केवल कर्म का है। जिस मानव में कोई भय, निद्रा, मैथुन आहार के अलावा विशेष गुण नहीं है, वह मनुष्य पशु के समान है।